हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइन वे चैनल में आपको मोस्ट वेलकम। और ये जो आज की वीडियो है ये नर्सरी शॉपिंग पर है। कुछ प्लांट मैंने लिए हैं, बहुत बड़ी शॉपिंग तो नहीं है, छोटी सी है, बट वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। और इनका दाम भी बताऊंगी और इनका नाम भी बताऊंगी। देखिए, इसमें बिगोनिया में भी कई सारी वैरायटी आती है, तो मेरे पास दो है, एक गोल वाली लीफ का और ये जो होता है ये एंगल विंग वाला बिगोनिया, ये वो है। तो मेरे पास ये नहीं था, और गोल वाले तो मेरे पास सारे कलर है, और इसमें इसलिए मैंने इसको ये बाय किया। तो और ये देखो, ये जो सेवंती होता है ये विंटर में तो आती ही आती है, खिलती हैं, और इसमें भी इतने आए हुए हैं कि काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो कलर भी काफ़ी सारे हैं। हमारे विंटर वाले थे तो उन पर भी छोटी छोटी बर्ड्स बनने लगी और उन पर भी खिलने लगे। ये मतलब एक साल में दो बार ये फ्लोवर देते ही देते, अगर इन्हें ले ले एक बार तो ये हमारे सदा के लिए हमारे गार्डन में ऐड हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये मिला है मुझे 150 रुपये का, बड़ा है ये, गमले सहित है। ये देखो, गमला भी है इसके साथ, और ये इसमें इतने सारे फूल भी हैं और कलर भी बहुत प्यारा। ये मोस रोज लाइयों में ये कई सारे हैं, ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, और गर्मियों में तो इनकी बाहर रहती है। और आजकल ये बड़ी बड़ी लिप्स वाले, ये बड़े वाले जैसे मेरे पास पहले भी थे, ये ग्रांड वाले काफ़ी, ये फ्लोरिडा ग्रांड वाले, और तो ये अभी भी अब ये आने शुरू हो गए, और ये कई सारे कलर रंगों में, चार पांच हैं अभी भी नर्सरी में। ये रेड कलर का है, और ये मेरा येलो और कुछ रेड मिक्स है, अभी खिला नहीं है, और ये मेरा एकदम येलो कलर है। तो ये अभी मैं तीन लाई, बाकी मेरे पास सारे हैं। ये मेरे को पड़े 20-20। ये जीनिया का है, और जीनिया में भी पाँच छः कलर आए हुए हैं, मैंने कई सारे कलर देखे, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, और रेड में भी दो तीन तरह के हैं, ऑरेंज में भी, येलो में भी दो तीन तरह के हैं। ये देखो कितना सुंदर फूल है इसका भी, ये भी मुझे 25-25 के पड़े। एक ये है, दो ही खरीदे हैं मैंने, और एक ही रेड कलर का, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत है। तो ये भी ये समर वाले हैं, खरीद सकते हैं आप इसको भी। मैंने ये दो कॉस्मोस के खरीदे हैं, ये देखो ये येलो कलर का है एक, और एक ये कुछ ऑरेंज और येलो कलर है, मिक्स है। तो ये भी, इसमें भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, ये भी कॉस्मोस। और एक मैंने ये ट्यूलिप का भी ख़रीदा था, ये देखो ये कुछ पिंक कलर का है, ये हल्का सा सूखा सूखा हो रहा है, उन पे ज़्यादा थे नहीं, बस ये मैं ले आई इसको, अगर इसको भी ले लेते हैं तो ये बल्ब से तैयार होता, तो बल्ब तो हमारे शेव हो ही जाएंगे। तो इसमें और भी देखो, नीचे से ये पप्स निकल रहे हैं न्यू, तो इसको भी मैंने बाय किया, ये मेरे पास नहीं था, ये मैंने इसलिए बाय किया है। ये हल्का है हालांकि, तो ये मेरे पास नहीं था, मैंने इसलिए बाय किया। ये भी 100 रुपये का पड़ा मुझे, ये गमले से। और ये मैंने छोटी छोटी सैपलिंग भी खरीदी थी, ये देखो ये इस तरह की है, ये कॉक्स कॉम जो होता है, और ये सारे कलर हैं इसमें अलग अलग, तो और ये सिलोशिया भी होता है, देखो इसमें एक सिलोशिया का भी है, ये लंबा होता है सिलोशिया का जैसे, ये ऊपर को, और ये कॉक्सकॉम जो होते हैं ये छोटे छोटे चपटे से होते हैं इस तरह के। तो ये मैंने सैपलिंग ली थी 10-10 रुपए की, और वैसे तो 20 रुपए का इजीली मिल जाता है ये भी, और ये बीजों से इतना आराम से लगता है, अगर हम एक बार ले लेते हैं तो ये कहीं भी बिखर जाता, ये वहीं जम जाते। मैंने भी पिछली बार लिए थे तो मेरा जगह जगह जैसे गिर गए थे, देखो मैं भी दिखाती हूँ, ये इसमें देखो कितना बड़ा प्लांट हो गया ये भी, ये सिलोशिया का, तो ऐसे कहीं भी गिर जाते, एक बार ले लो तो ये गार्डन में सदा के लिए हमारे बने। ये छोटी छोटी सैपलिंग ली थी मैंने, ये देखो इसकी, ये पोल्का डॉट की है, मैंने दो ली थी, एक ये है और एक ये है पिंक कलर की, और मुझे बहुत प्यारी सी लगी है छोटी छोटी। अगर हम तैयार बड़ा प्लांट लेते हैं इसका, पोल्का डॉट का, तो ये महंगे पड़ते हैं, 200-300 से कम पड़ते ही नहीं है। और ये छोटी छोटी सैपलिंग ले लो तो ये कम रेट की पड़ती है, ये 30 की 40 की ऐसे पड़ती है, ये मुझे भी उन्होंने ऐसे ही दिए, हालांकि ये सैपलिंग में और प्लांट से ये महंगी होती है, ये 40 रुपए की या 30 रुपए की ऐसी होती है। और दो प्लांट मैंने इसके ये गोम फ्रेने का भी लिए थे, ये गोल गोल जो आते हैं मेरे पास है, ये भी अगर हम ले लेते हैं और इसके बीज भी अगर जड़ भी जाते हैं, ये बहुत जल्दी से जम जाते हैं, बहुत ईजीली जम जाते हैं ये, तो मैंने तो ये दो छोटे छोटे लिए। मेरे पास और भी है, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास थोड़े मैंने बीज भी डाले थे, देखो दूर से आपको दिख रहे होंगे, तो ये देखो ये यहाँ पे ये है। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, और मेरे पास सेवन तक जितने उसने सभी में ये जो है बर्ड्स बन के तैयार होगी, मैं दिखाती, देखो मेरे पास में रखा, ये देखो ये हमने विंटर में भी सारे विंटर हमने
इनसे फूल लिए और अभी भी देखो ये कितना खूबसूरत, इसमें ये छोटा वाला ये मैरून कलर है जो भी ये मैंने ये प्लांट शूटिंग की है। और इनको मैं अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, अभी कम से कम इनको 2 दिन के बाद करूँगी, और पहले अपने गार्डन में रखूँगी 2-3 दिन तक, और उसके बाद करूँगी फिर आपको बाद में शेयर। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक देना, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।